ये अगला है, मिस्टर अहमद प्लान्स टू ऑन रिटायरिंग ऑन हिज 60th बर्थडे, ही वॉन्ट्स टू पुट द सेम अमाउंट ऑफ फंड्स असाइड ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर, सो दैट सो दैट ही विल बी एबल टू विदड्रॉ 50,000 रुपीज़ पर ईयर फॉर 20 ईयर्स वंस ही रिटायर्स विद द फर्स्ट विदड्रॉल ऑन हिज 61st बर्थडे. अहमद इज 20 ईयर्स ओल्ड टूडे, हाउ मच मस्ट ही सेट असाइड ईच ईयर फॉर हिज रिटायरमेंट इफ ही कैन अर्न 10% ऑन हिज फंड्स. मिस्टर अहमद ने ये प्लान किया है कि वो 60th बर्थडे पर रिटायर हो जाएगा. ही वॉन्ट्स टू पुट द सेम अमाउंट ऑफ फंड्स असाइड ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, ये अगले 20 सालों के लिए हर साल के आखिर में कुछ पैसे जमा करना चाहता है स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर अगले साल से. क्यों करना चाहते हैं? सो दैट ही विल बी एबल टू विदड्रॉ 50,000 पर ईयर फॉर 20 ईयर्स वंस ही रिटायर्स, ताकि ये जिस दिन रिटायर हो उसके बाद वाले साल से हर साल ये 50,000 रुपये विदड्रॉ कर सके 20 साल के लिए विद द फर्स्ट विदड्रॉल ऑन ए 61st बर्थडे. और पहला विदड्रॉल इसकी 61वीं बर्थडे पर होगा, यानी कि 60 है, फिर 61 है, फिर 62, 63, 64, इसी तरह से ये पहुंच जाएगा 80 तक. इधर इसको हर साल 50,000 रुपये की ज़रूरत है, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, इधर तक. ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि अहमद इज 20 ईयर्स ओल्ड टुडे, आज ये 20 साल का है. क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि अगले साल से 20 सालों के लिए ये पैसे जमा करेगा, तो अहमद जो पैसे जमा कर रहा होगा वो कर रहा होगा ईयर नंबर 21 पर, ईयर नंबर 22 पर, ईयर नंबर 23 पर, ईयर नंबर 24 पर, इस तरह से. कब तक करेगा? 40 तक. ठीक है, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%. अच्छा, हमने स्पॉट पढ़ा है. स्पॉट स्पॉट क्या कहते हैं? किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं. किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं. तो हम एक काम करते हैं कि हम लोग जो है ना वो 60th ईयर को इसको स्पॉट बना लेते हैं. ठीक है, हमने जो है ना वो इसको स्पॉट बना लिया. तो अब ये जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं 61 से लेकर और 80 पर, पहले तो इसको 60 पर लेकर आओ, करो ज़रा कंप्यूटेशन, इनको 60 पर लेकर आओ. हाँ भाई, जितनी भी ये अमाउंट्स है ना इसको 60 पे लेकर आओ. इसकी जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट्स है 50,000, 50,000, 50,000 वाली, अगर इसको हम 60 पे लेकर आते हैं तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, पी इज़ इक्वल्स टू आर
मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन प्लस 10% पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10%। ठीक है, इसको ज़रा कैलकुलेट कर लें। अगर फोर टू फाइव सिक्स सेवन एट, फोर टू फाइव सिक्स सेवन एट। अब वो ये कहता है कि ये बंदा जो है ना वो 21वें साल पर, 22वें साल पर, 23वें साल पर, 24वें साल पर, हर साल 40वें साल तक कुछ पैसे जमा कर रहा होगा। ये आपका यह नंबर 40 है, ठीक है। लेकिन आपका स्पॉट जो है ना, जो आपका स्पॉट है वो ईयर 60 है। हाँ अब्दुल मुईज, अब बताओ क्या करना चाहिए। हाँ हम ये जो 21, 22, 23, 24 को है, 40 पे पहले तो लेकर जाएंगे और फिर उस पूरी अमाउंट को 60 पे लेकर जाएंगे। तो पहले हम अप्लाई करेंगे आर मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस 10% पावर 20 माइनस वन डिवाइडेड बाई 10%। पहले हम अप्लाई करेंगे आर मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस 10% पावर 20 माइनस वन अपॉन 10%। इससे हमारा आंसर क्या आएगा? इससे हमारा आंसर आता है 57.27 आर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हम इन सारी वैल्यूज़ को लेकर चले गए 60 पर, और फिर 60 से सॉरी 40 पर, और फिर 40 से 60 पे लेकर जाने के लिए, 40 से 60 पे लेकर जाने के लिए 57.27 आर मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस 10% पावर 20। तो इसको हमने मज़ीद मल्टीप्लाई किया 1.1 पावर 20 से, तो ये बन रहा है 385.317 आर। अब ये भी 60 पर आ गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि 385.317 आर इज इक्वल्स टू 4, 2, 5, 6, 7, 8। तो आर कितना आएगा? 4, 2, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय आंसर किया आर आ रहा है 1104.75। सही है। बताओ कोई प्रॉब्लम? चल आगे बढ़ते हैं। और
ये एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर्स इज 8.32 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 800। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स विल बी। देखो सबसे पहले तो हम जो है ना वो एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल ये करते हैं कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है ना वो 10% है। अगर तुम ये 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करोगे तो मुझे बताओ पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा और पहले दूसरे साल का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ। अगर तुम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो 10% के रेट पर 2 सालों के लिए तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा और दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा बताओ। पहले साल का इंटरेस्ट 100 का 10% यानी कि 10 रुपये होगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट भी 100 का 10% यानी कि 10 रुपये होगा और पहले 2 सालों का टोटल इंटरेस्ट 20 रुपये होगा। सही है, ऐसा ही होगा ना? ठीक है, अच्छा अगर मैं यही पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करूं यानी कि 100 रुपये इन्वेस्ट करूं 10% के रेट पर तो उसके इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ। पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो 100 का 10% यानी कि 10 होगा और दूसरे साल का इंटरेस्ट जो है ना वो 11 होगा क्योंकि वो फिर 110 का 10% होगा जो कि 11 बनता है और टोटल जो है ना वो 21 होगा। ठीक कह रहा हूँ? इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होता है। यह नंबर वन का जो इंटरेस्ट है ना वो एब्सोल्युटली सेम होता है। लेकिन दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल जो 100 है उस पर तो 10% यानी कि 10 रुपये मिल ही रहे होते हैं, बल्कि जो पहले साल के 10 रुपये का इंटरेस्ट था उस पर भी 10% जो कि 1 रुपया बनता है वो भी मिल रहा होता है, यानी कि 110 पर 10% यानी कि 11 रुपये मिल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा है? ये बात समझ में आ गई? अब मुझे इस सवाल के हिसाब से अगर यही सिनेरियो बनाओ, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि पहले और दूसरे साल दोनों सालों का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 800। तो मुझे बताओ पहले साल का कितना होगा और दूसरे साल का कितना होगा। पहले साल भी 400 होगा, दूसरे साल भी 400 होगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम होता है।
अच्छा मुझे बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा और दूसरे साल का क्या होगा? हाँ, पहले साल 400 होगा, दूसरे साल 432 होगा, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट में ओरिजिनल अमाउंट पर तो इंटरेस्ट मिला ही होता है, मगर पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिला होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एज्यूम कर लें कि इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है ना वो एक्स परसेंटेज है, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर अगर ये परसेंटेज अप्लाई करी जाए तो 32 आना चाहिए। पहले साल के इंटरेस्ट पर ये परसेंटेज अप्लाई करी जाए तो 32 आना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ? मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बनाई है, इस एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में दूसरे साल का इंटरेस्ट 11 था। क्यों 11 था? इसलिए 11 था क्योंकि जो प्रिंसिपल था उस पर भी इंटरेस्ट मिला, जो प्रिंसिपल था उस पर भी इंटरेस्ट मिला, और जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट मिला। जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट मिला। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी सवाल के हिसाब से हमारे सवाल के हिसाब से दूसरे साल जो 32 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है, ये जो 32 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है ये इसलिए मिला होगा क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा। तो इस हिसाब से एक्स जो आपके पास जो परसेंटेज आती है इंटरेस्ट की वो कितनी है? 32 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, या 8% आ रहा होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है ना वो 8% है। इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो 8% है। देखो जो पहले साल का ये जो 3200 रुपये का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है वो पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर कोई परसेंटेज अप्लाई हो रही है तो मिल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा बनता है ये। सही है? कोई मसला? भाई यहाँ तक कोई मसला है काइंडली जल्दी से बता दें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। भाई नहीं है ना। अब इसने क्या बोला हुआ है? इसने बोला हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 ईयर्स इज 832 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज 800। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स विल बी। अच्छा अब आप एक और काम कर लो, आप फॉर्मूला यूज करो आई इज इक्वल्स टू पी आर टी।
आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, ठीक है, आप फॉर्मूला यूज करो, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, और आप ये करो कि आपको पता है 2 सालों का इंटरेस्ट 800 है, 800 इज इक्वल्स टू पी, आपको नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और टी यानी कि जो टाइम पीरियड है वो 2 साल है। देखो 800 का इंटरेस्ट था 2 सालों का, पी आपको नहीं पता, आई जो है वो 800 है, पी यानी कि टाइम पीरियड 2 साल है, और 8% का रेट तो हमने कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा? ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 50,000 रुपये इन्वेस्ट हुए होंगे, हो ये रहा है, सॉरी 50,000 नहीं 5,000, हो ये रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में पहले साल 5,000 पर 8% का इंटरेस्ट मिला यानी कि 400, दूसरे साल दोबारा से 5,000 पर 8% का इंटरेस्ट मिला यानी कि 400, जो आपको सवाल में दिया हुआ था, है ना? अगर एक और साल ये पैसे पड़े रहते तो दोबारा से 5,000 पर 8% का इंटरेस्ट यानी कि 400 और मिलते, टोटल हो जाते 1,200। अच्छा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले साल 5,000 पर 8% मिला, 5,000 का 8% जो है वो बन जाता है 400, दूसरे साल 5,000 और 400 का 8%, 5,000 और 400 का 8% कितना बनता है? ये बनता है 432, ये आपको सवाल में दिया हुआ था ना, 832। तीसरे साल क्या होगा? 5,832 का 8%, 5,832 का 8% जो है वो बन जाता है आपका 466.56। तो ये टोटल देखो 400, 432 और 466.56 का टोटल जो है ना वो बन रहा है 1,298.56, 1,298.56, ठीक है। अब बता दो भाई, कोई मसला है? बताओ फाइनल आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 98.56 होगा। अच्छा देखो, इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, ज़रा गौर से सुनना। देखो
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल दोनों सेम होता है। दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है? कंपाउंड इंटरेस्ट 32 रुपये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है 32 रुपये? कंपाउंड इंटरेस्ट 32 रुपये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहले साल जो 400 का इंटरेस्ट मिला था उस पर आपको 8% मिला होगा जो कि 32 बनता है। अच्छा, तीसरे साल दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है। तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों ज़्यादा है? तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 832 रुपये में पहले साल का 400 का इंटरेस्ट, दूसरे साल का 432 रुपये का इंटरेस्ट, इस पर आपको 8% एक्स्ट्रा मिला होगा जो कि 66.56 बनता है, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 98.56 बनता है ना। चेक करो इस बात को, ये आपका एक शॉर्टकट होगा जिससे आपका सवाल जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपने इतनी लंबी वर्किंग नहीं करनी है, आपने ये देख लिया कि भाई कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है और उस पर किस हिसाब से पैसे मिलते रहते हैं, बस ऐसा हो सकता है ना। समझे हो बात को या नहीं समझे हो बात को? दोबारा बता दूं, देखो मुझे एक बात बताओ, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल दोनों का इंटरेस्ट सेम होता है, ऐसा ही है ना? दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि जो पहले साल का इंटरेस्ट था उस पर आपको जो है वो इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल से दूसरे साल ये 32 रुपये ज़्यादा होंगे, और तीसरे साल भी इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि पहले और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा, यानी कि 66.56 एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, तो टोटल 98.56 ऐसे भी आ सकता है, एक ही बात है। सही है? चलो जी, अगला सवाल करते हैं। चलो जी, इसमें से बताओ कौन सा वाला नहीं हो रहा, इसमें से कौन सा वाला सवाल नहीं हो रहा, 640 या 641, दोनों? चलो 640 पहले देखते हैं। देर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 रुपी आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। बोलता है सबसे पहले कि मैंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी, एज्यूम कर लो कि एक्स इन्वेस्ट करा, और वो एक्स जो है ना वो 60% से इंक्रीज हो गया 6 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी कि जो इसकी फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी बन गई, 1.6x बन गई, ठीक है ना, 1.6x बन गई, यानी कि वो इंक्रीज हो गई। 60% से अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो अगर वो एक्स है तो वो 1.6x बन जाएगी ना, है ना? ये बात समझ में आती है? कितने सालों में? 6 सालों में। तो सबसे पहले तो तुम एक काम करो कि आर ढूंढो, एस इज इक्वल्स टू पी,
वन प्लस आर टी 1.6x इज इक्वल्स टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू टी। चलो जी आर ढूंढो, आर कितना होगा? शाबाश, आर ढूंढो, आर कितना होगा? आर 10% आ रहा है। अब इससे आपसे क्या है, वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 12,000, यानी कि पी दे रहा है 12,000 आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि एन दे रहा है 3। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आई दे रहा है 10%। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ना, हाँ या नहीं? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सेम इंटरेस्ट रेट है, तो 10% वाह, हाँ या नहीं? क्लियर हो गया ये? सही है। अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस आई पावर एन माइनस वन, तो ये बन जाएगा आपके पास 12,000 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 10% पावर 3 माइनस 1। बताओ कितना मिलेगा? थ्री 9 7 2। चलो जी बताओ भाई, इसमें कोई मसला? नहीं है। चलो अब ज़रा हम जो है वो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। मैं इस मीटिंग को डिसकंटिन्यू कर कर 5 मिनट बाद नया लिंक बना रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट बाद बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग 10:40 पर रिज्यूम करेंगे, 10:40 पर रिज्यूम करेंगे। चलो हाफ़िज़।